नो में आ आखी मात्रा ना ओ ओकी मात्रा मो की मात्रा मो नामू कोमे बड़ी की मात्रा की रोमै एक मात्रा रेल रेल नामू की रेल आ आखी मात्रा पा पौमै चंद्र बिंदु पा चौ में आ आखी मात्रा पा पौमें चंद्र बिंदु पा चौ पाँच 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 ब आधा ओ ओकी मात्रा चो चौमै अंकी मात्रा चो बच्चों में बड़ी की मात्रा की ओ की माता टो में बड़ी की मात्रा ली टोली प आ आकी मात्रा ना बना लो में ओ की मात्रा लो पूर्ण विराम पाँच पाँच बच्चों की टोली बना लो अब अब अप में बड़ी की माता नी अपनी अ प में बड़ी की माता नी अपनी में ओ की माता टो तो। में छोटी की मात्रा ली में ओ की मात्रा यो योम की मात्रा यों में कौमे की मात्रा के बो आधा चौं में ओ की मात्रा चौ चौ चौमै की मात्रा चौं बच्चों कौमें एक मात्रा के आ आकी मात्रा नाम अनाम रोमे एक मात्रा रेल और रेल कौ मै एक मात्रा के डोमे छोटी की मात्रा डी आधा ओ की मात्रा बो बोम की मात्रा बो डिब्बो ए की मात्रा मैं 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 की मात्रा में लो में छोटी की मात्रा ली खौ म ओ की मात्रा खोल लिखो पूर्ण विराम अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो ओके जैसे ये रेल बनी है ना तो इसमें क्या करना है पांच बांस पांच पांच बच्चों की टोली बना टोली बनानी है और अपनी अपनी टोलियों में बच्चों के नाम लिखने हैं ओके जैसे ये रेल बना रखा है ना ये इंजन है ये रेल के डिब्बे हैं ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है रोमै आ की मात्रा जो में बड़े की मात्रा जू राजू यहाँ पे क्या लिखा है राजू ऐसे ही हमने नाम यहाँ पर लिखने हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ओके तो हम नाम लिखते हैं अब हम यहाँ पे लिखेंगे भी नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो हमने यहाँ पर लिखा क म ल कमल ओके हमने यहाँ पर लिखा कमल और यहाँ पर लिखा ग में बड़ी की मात्रा गी तो में आ की मात्रा था गीता और यहाँ पर लिखा द में की मात्रा दी व देव अब यहाँ पे हम लिखेंगे न रोमे की माचारी सौ नरेश हम okay. पे लिखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है रो में आ की मात्रा राजू राजू रा रो में बड़े अब हमने यहाँ पे लिख दिया क में बड़ी की मात्रा गी तो में आ की मात्रा गीता द में एक मात्रा दे वेव न र में बड़े र में एक मात्रा रे स तो, तो अब क्या करना है रे की मात्रा ममै की मात्रा मा लो मैं की मात्रा ला वर्णमाला यो आ की मात्रा याद याद हो में ऐ की मात्रा है न प्रश्न वाला याद है न लो मैं ओकी मता लु चलू अब अब इन ईन न आ की मात्रा ना मैं की मात्रा मो आ की मात्रा ना मो ना मात्रा कु को रेब की मात्रा मो में की मात्रा माँ लो में, मा में की मात्रा ला वर्ण माला कौ में की मात्रा के ह में छोटी की मात्रा ही सौ में आ की मात्रा सा बिशाब में एक मात्रा से में मै पदीन की मात्रा क्र म क्रम म में एक मात्रा में मैं में अंक की मात्रा में ल ग में की मात्रा गा तो में एक ही मात्रा ते लगाते ह में एक ही मात्रा है हे में अंक की मात्रा है पूर्ण विराम वर्णमाला याद है ना चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं वर्णमाला पता है ना आपको कौ खो होते हैं ना कौ जो तक वर्ण वर्ण होते हैं ना तो इसमें से ये राजू है कमल है गीता है देव है नरेश है तो इनमें से ख वर्णमाला के हिसाब से जिसका नाम क से आएगा वो पहले ख से आएगा उसके बाद ऐसे ही क्रम में इनको लगाना है ओके तो आप सोचिए इसमें से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे क आता है ना सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे क म लो, कमल कमल का नाम सबसे पहले आ जाएगा फिर आएगा फिर फिर ग आएगा ना गो में बड़ी की मात्रा गी तो में आ की मात्रा ता गीता ओके अब आएगा इनमें से कमल पहले आएगा गीता फिर आएगा तो मैं की मात्रा दी वो देव फिर आएगा न रोमे में की माता रे सौ नरेश फिर आएगा रो में आकी माता रा जो में बड़े मात्र जू राजू ओके तो हमने लिखा कमल गीता तीव नरेश राजू तो वर्ण वाला के क्रम में ये आते हैं ना कौ सबसे पहले आता है फिर उसके बाद ग जो इसमें लिखे हैं ओके फिर उसके बाद दो नौ रोके चौमे छोटी की मात्रा चीड़ में आ की मात्रा नौ में आकी मात्रा ना चिड़ाना कौ में आधा क यो में आकी मात्रा या क्या तो में छोटे की मात्रा तू मौ में एक मात्रा है हे हे में आंकी मात्रा है तुम्हें पौ में बड़ी की मात्रा भी कौ में ओ की मात्रा कोई कोई चौमे छोटी की माता चिड़ तो में मैं आकी मात्रा त में आ आकी मात्रा ता चिड़ाता में एक की मात्रा है प्रश्नवाचक चिन्ह क्या तुम्हें भी कोई चिड़ाता तो तो है तब तब तौम छोटे ओ की मात्रा तू आधा मोह है हों में ए की मात्रा है हे मैं अंकी मात्रा है तुम्हें कौ में एक की मात्रा कैश आ की मात्रा सा कैसा ल ग तौम आकी मात्रा था लगता हम एकी मात्रा है प्रश्नवाचक चिन्ह तब तुम्हें कैसा लगता है क श्यो मैं की मात्रा श्या कक्षा म में एक मात्रा में मैं मैं अंकी मात्रा में चौ आ की मात्रा चा चा में रेव की मात्रा र रेव की मात्रा चर्चा क की मात्रा करो पूर्ण विराम क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है तब तुम्हें कैसा लगता है कक्षा में चर्चा करो जब कोई आपको चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है अपने दोस्तों से कक्षा में क्या करना है बातचीत करनी है अब आप लोग बताएँगे जब कक्षा में कोई चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है कोई भी कहीं पे कक्षा में या बाहर कभी कहीं भी हमको चिढ़ाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना कभी कभी तो उसको मारने का मन करता है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है पर तो कभी कभी हम क्या करते हैं उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं ओके तो तो हमें कभी भी किसी को नहीं जब हमको बुरा लग रहा है तो हम किसी को चिढ़ाएंगे तो तब उनको भी तो बुरा लगेगा ना तो हमें कभी भी किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए ओके क्यों इससे हमें दूसरों को इससे हम दूसरों को दुख देते हैं ना तो हमें दूसरों को दुखी करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना तो दूसरों को दुखी करना अच्छी बात नहीं है तो हमें कभी भी किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए दूसरों को दुखी करना क्योंकि दुखी करना अच्छी बात नहीं है ओके तो आप लोग भी क्लास में बताएंगे जब तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो कैसा लगता है ओके तो बच्चों आज ये कक्कू का अभ्यास जो बुक फिल करनी थी इसमें तो हमारा आज यहाँ पे पूरा हो गया है ये जो कॉपी का वर्क है मैं आपको दूसरे दिन कराऊंगी तो आप अच्छी तरह से अपनी जो भी ये बुक में फिल करना है आप इसको फिल करेंगे अच्छी तरह से और नेक्स्ट वीडियो आने तक दूसरी वीडियो जब तक नहीं आती है तब आपको तब तक आपको ये रीडिंग भी करनी है और बुक में जो फिल कर रखा है उसको लर्न भी करना